उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में रविवार को हुई हिंसा पर सियासी घटनाक्रम अब तेज हो गया है। यूपी गेट पर किसानों के साथ आंदोलन में बैठे किसान नेता राकेश टिकैत लखीमपुर पहुंचे हैं। उन्होंने डीएम और एसपी से बातचीत करके अपनी कुछ मांगे प्रशासन के सामने रखी हैं। उन्होंने कहा है कि सबसे पहले मंत्री की बर्खास्तगी होनी चाहिए, उनके बेटे पर हत्या का केस दर्ज होना चाहिए और मृतकों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा व सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए। तो आइए सुनाते हैं आपको राकेश टिकैत की पूरी क्या है मांग। 4-5 इशू है जो उनको दिए हैं। पहले ये है कि एफआईआर की कॉपी, धाराएं उसमें 302 रुपए उसमें लगेगी, लड़के का नाम 120 भी, ये सारी आएगी। मंत्री की बर्खास्तगी ये एक मेन इशू रहेगा, क्योंकि जब उसके लड़के के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होगी तो कोई ऐसी एजेंसी नहीं है कि उनके पक्ष ना ले उसकी बर्खास्तगी। इन परिवारों को मुआवजा 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा और सरकारी नौकरी, ये सारे इशू 5-6 इशू हो ये रहे हैं। तो बर्खास्तगी पे प्रशासन की तरफ से क्या आश्वासन? अभी प्रशासन को दे दिया है हमने कि ये है, आप सरकार से जाके बातचीत आप कर लें। यानी अगर क्रमशः आप कहें तो आप केंद्रीय मंत्री की बर्खास्तगी की बिल्कुल बर्खास्तगी तो जाएगी भाई। केंद्रीय मंत्री के पूरी जो वीडियो है 10 दिन पहले वो आप देख सकते हो, प्री प्लान ये है। दूसरा ये है कि उनकी तरफ से क्या रिपोर्ट आएगी वो भी इसमें सवाल है, क्योंकि फर्स्ट हमला कर हुए हैं, उन्होंने हमला करा है अपने बचाव में, कोई दूसरा भी एक्सीडेंट हुआ तो अपने बचाव में हो जाए। तो किसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं? गिरफ्तारी जो लड़का उनका है, टेक्निकल लड़का। अच्छा, उसने जिसने गोली चलाई, गाड़ियां चढ़ाई, उसकी गिरफ्तारी। यानी आप केंद्रीय मंत्री की बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं? बिल्कुल, उनकी गिरफ्तारी की, केंद्रीय मंत्री की गिरफ्तारी की मांग। वो उसमें जांच में आएगा पूर्ण रूप से, 120 भी में आएगा तो गिरफ्तार भी होंगे। यस, तो आपने मुआवजा कितना मांगा? 1 करोड़ रुपया। अगर ये सारी मांग मान ली जाती है तो? अरे मान ली जाती है तो मांग तो मान ली जाती है, उसी के लिए तो है अभी यहाँ पे जी। तो ये जो दाह संस्कार है कब होगा? वो उसी के बाद में बातचीत होगी, अभी उनको बता दिया, वे बताएंगे, जवाब देंगे क्या उनका कहना है। तो प्रशासन का क्या कहना था? अभी वो गए हैं, उनको दे दिया है पूरा जो पेपर है वो दे दिया उनको कि जाकर आप सरकार से बातचीत करो। अभी हम तो बैठे हुए यही, अब तो वे बताएंगे, आप उनसे पूछो, अगला क्वेश्चन उनसे करो और फिर हम बता देंगे। जो प्रदेश भर में प्रदर्शन हो रहा है किसानों का, उसमें वो क्या है? होगा, अभी तो चल ही रहा है, अभी तो जैसे ही दिल्ली निकलेगा लोगों को हमने रोका कि अभी कुछ देर, अभी सिर्फ डीसी के यहाँ पे, डीएम के वहाँ पे ज्ञापन जाएगा, 10-11 बजे लोग जाएंगे, लेकिन बहुत लोग सड़कों के ऊपर भी है, वे इंतजार कर रहे हैं पूरा के जो हालात है वो किस तरह के। अरे होंगे भाई, कोई घटना हुई है तो आते हैं तो सब लोग, ये राजनीति थोड़ा है, किसी की मौत पर राजनीति नहीं होती है। जहाँ 8 लोग मारे गए हैं ये राजनीति है, उनके दोषी कौन है? सब लोग के कौन उनको बुला कर लेकर आया यहाँ पे, कौन गाड़ियों से लेकर आया? 8 लोग मारे गए, 15 से ज्यादा लोग घायल है। ठीक है सर, यहाँ पे इंटरनेट सेवाएं रोक दी गई हैं। बिल्कुल, हमने कहा है कि सेवाएं चालू करो, उसी से सारी चीजें कंट्रोल होगी। यहाँ पे प्रेस के लोग भी हैं जिनको अपनी खबर बेचनी है और यहाँ की खबर भी दूसरी जगह जानी चाहिए। प्रियंका गांधी को हिरासत में ले लिया गया? ले लिया होगा, उसका हमारा कोई नहीं है भाई, हम तो यहाँ पे, हमें कोई जानकारी नहीं है। तो इसका मतलब FIR झूठ लिखी गई है, उसके दस्तावेज जब तक हाथ में नहीं आएंगे वो बता दे उनको, हाथ में दस्तावेज चाहिए। For latest updates, like and follow our Facebook page SMZ News, and don't forget to subscribe our YouTube channel and press the bell icon.